होती है ना वो डोडियों से भी बीज निकलता है। ये डोडी होती है इतनी तीस होती है, वो उसका बीज भी होता है, जब काली हो जाती है उसका बीज हो जाता है, उसको जमीन में लगाते हैं, वो 90 दिन में तैयार हो जाती है और ये फूल से डोडी बनती है, फूल होता है, फूल से डोडी बन जाती है। उसके बाद ये बाजारों में सवेरे हम आते हैं, डोडियाँ डोडियाँ तोड़ते हैं, तोड़ के फिर हम मार्केट में बेचते हैं। ये 1000 दाना ज़्यादा आए तकरीबन 5000 रुपये। कमल डोडी बेसिकली ये सिंधी में या इंडियन गुजराती जो लोग हैं वो इसको कमल का कमल डोडी कहते हैं। ये बेसिकली एक सबसे पहले फूल की शक्ल में उगता है, उसके बाद ये बल्ब की शक्ल इख्तियार करता है और इसके अंदर छोटे छोटे नंबर्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स के जो बीज हैं वो उगाते हैं। उसके बाद उन बीज को आप छील के सेपरेट करके मूँगफली के दाने की सूरत में आ जाता है। और ये जो कमल का फूल है ये नॉर्मली फ्रेश लेक्स के ऊपर धो करवाया जाता है, जो कि रवायती तौर पर सिंध के अंदर बहुत अरसा दराज से इस्तेमाल की जाती है। अब इसकी जैसे मैंने ग्रो कराया कि फ्रेश वाटर लेक्स के ऊपर इसको ग्रो करवाया जाता है और मूनसून के सीज़न में जो इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है, यानी कि जो रेनी सीज़न होता है उसमें इसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है, ये बहुत ही ज़्यादा लो होती है कैलोरीज के अंदर। इसके साथ साथ इसके अंदर वाइटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा रिच फॉर्म में पाया जाता है, वाइटामिन सी जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर करता है, और इसके साथ साथ इसमें आयरन की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है जो कि खून की कमी को पूरा करती है।